हेलो फ्रेंड्स, हंसवाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों का दोस्त वरुण भाई। दोस्तों, सबका सपना रहता है कि मैं एक आईफोन खरीदूं, लेकिन आईफोन का बजट इतना महंगा होता है कि सब कोई खरीद नहीं सकता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन आप बना सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने हमारे ओप्पो थ्रेस एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉयड फ़ोन को आईफोन आप बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को अपने थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में कन्वर्ट करने बताऊंगा। तो चले तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको रिमूव कर लेना है, यानी कि इसको आपको हटा लेना है। आपको अपने एंड्रॉइड फोन को नॉर्मल आपको कर लेना है। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से प्रोसेस को बताऊंगा, जो कि फ्रेंड्स आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को बहुत ही आसानी से आईफोन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत होगी। तो इस ऐप को डाउनलोड करने सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस को बताता हूँ कि आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन में वॉल्यूम स्टाइल्स ऐप को ओपन करना है डाउनलोड करके। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हैं। ओपन करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे इस ऐप का। तो यहाँ पे आपको ओएस का यहाँ पे वॉल्यूम पैनल आपको सर्च कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ और वॉल्यूम पैनल ओएस का यही है आईओएस। तो इसके बाद आपको देखने को स्टार्ट, तो स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है और ये जो वॉल्यूम पैनल ये आपका एंड्रॉइड फोन में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी सर्विस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे वॉल्यूम स्टाइल्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको परमिशन आपको दे लेना है। इसके बाद ये आपका एंड्रॉइड फोन में ये सेटिंग्स इनेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपका एंड्रॉइड फोन में ये वॉल्यूम पैनल इनेबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं हमारे एंड्रॉइड फोन में वॉल्यूम पैनल इनेबल हो चुके हैं। इसके बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है, फोन 13 लॉन्चर। तो देख सकते हैं मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूं अभी। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग हो रहे, तो कुछ समय के लिए वेट कीजिए। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को इस तरह का इंटरफेस। तो यहाँ पे आप वॉलपेपर का आप चेंज करना चाहे तो वॉलपेपर को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही वाला वॉलपेपर को यहाँ पे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गेट स्टार्टेड, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है, तो मैं यहाँ पर अलाउ कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला ओके इनेबल नाउ, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपका लॉन्चर आपका एंड्रॉइड फोन में इनेबल हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इनेबल हो रहे हैं। इसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको अलाउ कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने अलाउ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एंड्रॉइड फोन वाला स्टाइल और आईओएस वाला स्टाइल। तो आपको आईओएस वाले स्टाइल को आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन आपको कर लेना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं मैं गेट स्टार्टेड पर मैंने क्लिक कर लिया। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने का तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग हो चुके हैं, कम्प्लीट हो चुके हैं। तो ये जो आपको डायरेक्शन आपको दिया जा रहा है देख सकते हैं। इसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन के सेटिंग्स पर आपको चले जाना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऐप मैनेजमेंट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला डिफॉल्ट ऐप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। डिफॉल्ट ऐप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। होम स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा सिस्टम लॉन्चर, तो सिस्टम लॉन्चर से आपको फोन 13 लॉन्चर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसको चेंज कर, चेंज होम स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है और ये जो आपका लॉन्चर आपका चेंज हो चुके हैं और आपका आईफोन जैसा है आपको लुक आपको देखने को मिलेंगे। आप आईफोन के जैसा है आप इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आपका नोटिफिकेशन बार भी आपको आईफोन जैसा है आपको देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं, देखिए इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आईफोन जैसा है आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं देखिए। और वॉल्यूम पैनल की बात करें तो वॉल्यूम पैनल भी चेंज हो चुके हैं, देख सकते हैं आईफोन जैसे आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है इन दोनों ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ओपन करने को यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम स्टाइल्स, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम स्टाइल्स को सर्च कर लेता हूँ, देखिए। तो यही वाला ऐप है। इसके बाद यहाँ पे आपको आईओएस लॉन्चर आपको डाउनलोड करना है, तो ये आईओएस लॉन्चर यही वाला है, तो देख सकते हैं देखिए। तो इस ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में आपको डाउनलोड करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने ओप्पो थ्रेस एंड्रॉइड फोन को आईफोन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ घंटी के बटन है उसे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे हर अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चले तो मिलता है अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।